हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग एग्जांपल्स ऑन कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको आगे आने वाले 3-4 वीडियोस तक लगभग 25 से 30 एग्जांपल्स बताऊंगा, जिसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स में मैंने पार्ट्स किए हुए हैं, पार्ट्स बना रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, ताकि आपको एग्जाम्पल्स एकदम क्लियर हो जाए कि होता क्या है इसमें या कैसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है बहुत फास्ट बहुत आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें 4 टॉपिक्स ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। एक तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्किल और सिंगुलर पॉइंट्स। इन दोनों के वीडियोस हमने पहले भी बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हल्का सा फिर भी मैं आपको आइडिया दूंगा इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? सर्किल के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है सेंटर। मान लो z0 सेंटर है और रेडियस जो कि स्मॉल r है। मान लो तो अगर किसी का सेंटर z0 है और रेडियस स्मॉल r है, तो उस सर्किल की इक्वेशन होती है z - z0 का मॉड इज इक्वल टू r, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से मतलब है, बाकी रियल फॉर्मेट में तो आपको पता ही होता है क्या होती है उसकी इक्वेशन। तो फिलहाल हमें ध्यान बस ये रखना है कि इस वाली टर्म को जो मॉड के अंदर है, उस टर्म को अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं तो हमें सेंटर मिल जाएगा। ये हमें सेंटर मिल जाएगा और उस तरफ जो भी लिखा है वो रेडियस है। बात खत्म, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है आपको। ठीक है, तो मैं 2-3 एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि z-2 का मॉड इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। जैसे मान लो z-1+2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 3-iota लिखा हुआ है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ये तीन में हम सेंटर और रेडियस कैसे पता करें, क्योंकि है फॉर्मेट सर्किल की इक्वेशन की, z-z0 इज इक्वल टू r का फॉर्मेट हमें दिख रहा है यहां पर। अब यहां पर देखो सेंटर कैसे निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए z-2 को 0 के इक्वल करोगे तो सेंटर आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 और रेडियस आपके पास आ जाएगी यहां पर जो भी लिखी है वो। ऐसे इसकी बात करें तो सेंटर यहां से इसको जीरो के इक्वल करके निकाल लोगे, सेंटर आएगा जेड इज इक्वल टू, इसको जब जीरो के इक्वल करोगे तो 1-2iota आ जाएगा जेड। ये हमारा सेंटर हो गया और रेडियस हमें ये दे रखी है, इस तरफ जो भी लिखी हुई है वो रेडियस है, उसमें कोई शक नहीं। तीसरे की बात करें अगर, तो इसमें सेंटर जो है जेड इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां कुछ लिखा ही नहीं है जेड में माइनस करके, तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब z-0 लिखा हुआ है। तो ओरिजिन सेंटर हो गया इसका 0,0। टेन क्या है? टेन यहां पर रेडियस है, आर इज इक्वल टू 10 दे रखी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया है केवल प्रैक्टिस के लिए, कि क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे पता चल जाए कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है सर्किल की इक्वेशन में। ठीक है, ये तो सर्किल की बात हुई। दूसरी हम बात करें कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट्स जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है मतलब डिफरेंशियबल नहीं है। जैसे ये फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, केवल इस हिस्से को आप देखो, ये z इज इक्वल टू 2 रखने पर डिफाइंड ही नहीं है। अगर मैं z इज इक्वल टू 2 रख देता हूं तो नीचे 0 बन जाएगा। नीचे 0 बनने का मतलब क्या है? इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है। तो जो फंक्शन z इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशियबिलिटी तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। तो z इज इक्वल टू 2 पर जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो ये डिफरेंशियबल भी नहीं है। मतलब z इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो z इज इक्वल टू 2 इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो सिंगुलर पॉइंट में हमें बस यही देखना है कि किस किस पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उनमें डिवाइड में ही जीरो बन रहा होगा किसी ना किसी पॉइंट के कारण, और वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिवाइड में किन किन के कारण जीरो बन रहा है जिससे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, उनको आप सिंगुलर पॉइंट डिक्लेयर कर देना, और उनसे रिलेटेड हम लोग फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन दोनों से पता चलेगा। अभी आप इन दोनों को एक बार हल्का सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है ये। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या है? ये कहती है कि भाई इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, देन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड जीरो आएगा।
अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो क्लोज्ड कर्व के अबाउट, क्लोज्ड कर्व मतलब जैसे ये कर्व क्लोज्ड कर्व है, कोई भी रैंडम क्लोज्ड कर्व हो सकता है, सर्किल भी एक तरह का क्लोज्ड कर्व है। अगर मैं इस रेड कलर की लाइन की बात करें तो ये रेक्टेंगल है, ये भी एक तरह का क्लोज्ड कर्व है। तो कोई भी क्लोज्ड कर्व के अबाउट किसी भी एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो आएगा डायरेक्ट। मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके कोई सिंगुलर पॉइंट ही नहीं मिल रहे, सिंगुलर पॉइंट ही नहीं मिलेगा, डिवाइड में कुछ है ही नहीं जो नॉट डिफाइंड हो, सिंपल एक तरीके का पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ये जेड में, जो कि कंटिन्यू डिफरेंशिएबल सब कुछ है वो, तो ये फंक्शन कहीं पर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसपे ये डिफरेंशिएबल ना हो, इसलिए ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं एनालिटिक, वो किसी भी क्लोज्ड कर्व के अबाउट उनका इंटीग्रेशन कर लो जीरो आएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट ले सकते हो आप इस थ्योरम का यूज लेके, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार इसको देखें, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड कर्व है अगेन जिसपे फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके अंदर किसी एक पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी। लेकिन हमें ये थ्योरम क्वेश्चन करते टाइम इस तरह से याद नहीं रखनी, ये फॉर्मूला हमें दूसरे फॉर्मेट में काम आएगा। कैसे, आप इसको इस तरफ रख लो एक साइड और ये 2 पाई आयोटा उस तरफ ले जाओ, ठीक है, ये आप याद रखो, इससे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो 4 बातें हमने सीखी है, एक बार मैं हल्का सा और बता दूं, ये तब काम आएगा जब किसी फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, हर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अगर किसी फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा आंसर निकालने के लिए, ये बस विशेष ध्यान रखनी है आपको। बाकी सारा काम क्लोज्ड कर्व के लिए है, दोनों की दोनों थ्योरम्स क्लोज्ड कर्व के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लोज्ड के अलावा अगर कोई कर्व है तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से, जिसके मैंने 4 पार्ट्स किए हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं एक बार इसको हटा रहा हूं और फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जेड स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है कर्व सी के अबाउट, और सी कर्व क्या है उसके लिए 4 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में सी कर्व है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 अगर आप नोटिस करो तो ये है क्लोज्ड कर्व, ये एक सर्किल है, सर्किल है जिसका सेंटर 0 है, अंदर वाली टर्म को 0 के इक्वल करके हमें सेंटर मिल जाता है, और ये होता है रेडियस। तो सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, कहने का मतलब सर्किल है, सर्किल का मतलब है क्लोज्ड कर्व। अभी अभी हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये हर जगह डिफाइंड है, ये एनालिटिक फंक्शन है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा जिस पे ये डिफरेंशिएबल ना हो। तो अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के अबाउट उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है। तो इसका आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के आप जीरो लिख दो, क्यों, क्योंकि ये एक क्लोज्ड कर्व है और ये एक एनालिटिक फंक्शन है, बस इतना ही जवाब है इसका। अगर इसकी बात करें ये भी एक सर्किल है, बस इतना सा फर्क है कि इसका सेंटर तो अगेन 0 ही है लेकिन रेडियस 5 है, 0.0 सेंटर वाला और 5 रेडियस वाला सर्किल है, सर्किल मतलब क्लोज्ड कर्व, और क्लोज्ड कर्व का डायरेक्ट आंसर आएगा अगेन 0। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बात करो तो ये भी एक सर्किल है। अब ये सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर जो है वो अंदर वाली टर्म को 0 के इक्वल करने पर मिलता है, सेंटर आएगा z इज इक्वल टू 3π और जो रेडियस है, रेडियस इसकी है 10। सेंटर कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्लोज्ड कर्व है तो डायरेक्ट आंसर आप 0 लिखोगे, कुछ नहीं सोचना, सीधा आंसर 0। कोई भी क्लोज्ड कर्व हो, छोटा हो, बड़ा हो, और बड़ा हो, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा आंसर 0 अगर कोई एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो। चौथे की बात करें हम, सी इज स्क्वायर हूज साइड्स आर, सी कर्व इस बार स्क्वायर लिया है, सर्किल नहीं लिया, स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चंस में सर्किल लिया था हमने, स्क्वायर ले लिया अगर जिसकी साइड्स भी दे दी, तो मैं अगर इसको प्लॉट करूं ग्राफ पे इस स्क्वायर को, तो ये स्क्वायर इस तरह का आएगा, ये स्क्वायर है, ये एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये हमने ग्राफ बना दिया सी कर्व का, ये सी कर्व है हमारा,
क्लोज्ड करो, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो है तो क्लोज्ड ही, क्लोज्ड कर्व वो छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा भी हो, आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है जीरो, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो डायरेक्ट जीरो लिख दो, आप सोचने की जरूरत नहीं है। कैसा भी बड़ा सर्किल हो, बड़ा कर्व हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है जो एनालिटिक नहीं है, आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये एनालिटिक नहीं है। किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है? z माइनस टू जब जीरो हो जाएगा, मतलब z इज इक्वल टू टू, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो किस फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे? इस फॉर्मूले से। आगे बढ़ने से पहले हम जाने कि भाई सी कर्व क्या है, ध्यान से समझो थोड़ा सा। यहां पर सारा खेल सी कर्व का है, क्या पता यही फॉर्मूला लग जाए, ऐसा भी हो सकता है सिंगुलर पॉइंट होने के बावजूद भी। आप देखो पहले सी कर्व पे सारा डिपेंड करेगा, ध्यान से देखो। सी कर्व इसने बोला है मॉड जेड इज इक्वल टू वन, मॉड जेड इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है? मॉड जेड इज इक्वल टू वन का मतलब है ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो 0.0 है और रेडियस इसकी 1 है। तो ये 1 रेडियस का सर्किल ले लिया, सेंटर इसका 0.0 है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 हमारा सिंगुलर पॉइंट है। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 2 प्लस आयोटा 0, 2 का मतलब यही होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। 2 प्लस आयोटा 0 को अगर पॉइंट फॉर्मेट में बात करें तो ये है हमारा 2.0 पॉइंट, 2.0 पॉइंट आएगा यहां पर, ये है 2.0 पॉइंट, ठीक है। ध्यान से समझो, सी कर्व है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, हमें इस कर्व के अंडर बात करनी है, इस फंक्शन की, तो आंसर डायरेक्ट आएगा जीरो। क्यों आएगा जीरो अभी भी? क्योंकि जो सी कर्व हमें दे रखा है उस सी कर्व के अंदर तो फंक्शन एनालिटिक है ना, किस जगह एनालिटिक नहीं है फंक्शन? उस सी कर्व के बाहर, इधर एनालिटिक नहीं है, इधर की हमारे को बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है इस कर्व की। इस कर्व के अंदर, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इस क्लोज्ड कर्व के ऊपर तो फंक्शन एनालिटिक है। अगर ऐसा है तो ये वाली थ्योरम लग जाएगी, फंक्शन अभी भी एनालिटिक है हमारे सी कर्व के अंडर, तो डायरेक्ट आंसर जीरो। इसलिए सी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बार देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में इसने बोला सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 3। मॉड जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? मॉड जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब है सेंटर तो अभी भी 0.0 ही है, लेकिन रेडियस चेंज हो गई, 3 हो गई रेडियस। रेडियस अगर 3 हो गई तो ये 2 से भी आगे, यहां पर कहीं 3 आ रहा है मान लो, ये और आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो सर्किल इस तरह का बनेगा आपके बार। ये है हमारा सी कर्व इस बार। अब अगर ये कर्व हमारा सी कर्व है तो ये जो पॉइंट है, जो सिंगुलर पॉइंट है हमारे कर्व के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इस कर्व के लिए ये फंक्शन जेड बराबर 2 पर एनालिटिक नहीं है, जेड बराबर 2 पर फंस गया है, क्योंकि इस पूरे कर्व में एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर कर्व नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम इस फॉर्मूले पर स्विच कर जाएंगे। अब कैसे निकाला जाए फंक्शन की वैल्यू, वो आप ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का इंटीग्रेशन, मैं यहां लिखता हूं एक बार फॉर्मूला, आपको और क्लैरिटी आएगी। एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सी का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको अब एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ध्यान से देखो कंपेयर करो इसको, ऐसी सिचुएशन में ऊपर आपको एफ जेड अज्यूम कर लेना है इसको, और नीचे z माइनस ए, ए पॉइंट यहां पर 2 हो गया, ठीक है। ए पॉइंट अगर 2 हो गया तो f ऑफ z अपॉन z माइनस 2 की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा f ऑफ 2, a की जगह मैंने 2 रख दिया दोनों जगह, तो ये डायरेक्ट आंसर है इसका। और ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2 पाई आयोटा। अब f ऑफ 2 कैसे निकाले, ये है मेन बात, f ऑफ 2 कैसे निकाले। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो केवल ऊपर वाला फंक्शन f ऑफ z है, देखो कंपेयर करो, f ऑफ z तो ऊपर है, नीचे तो z माइनस a लिखा हुआ है, वो तो अलग चीज है,
ये आपका एफ ऑफ जेड है, तो अगर आपका एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स है, तो अब आप एफ ऑफ टू लिख लो। एफ ऑफ टू कैसे निकालोगे उस केस में, टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 20 आएगा, ये आ रहा है 20। यहां पर रख दो 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ टू की जगह रखोगे आप 20, तो फाइनल इसका आंसर आएगा 40 पाई आयोटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 पाई आयोटा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कर्व दे रखा है उसको ड्रॉ कर लो एक बार और चेक करो उस कर्व के अंदर तो ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जिसपे फंक्शन एनालिटिक ना हो, या जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है वो इस कर्व के अंदर तो नहीं आ रहा। अगर कर्व के अंदर नहीं आ रहा तो निश्चिंत हो जाओ, कॉच इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी, आंसर डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा कर्व इस तरह का है जो थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर हमारा सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो फिर हमें इस थ्योरम से आगे बढ़ाना पड़ेगा और जिसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ये आंसर है, डायरेक्ट आंसर आता है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ए पॉइंट पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये आप आंसर याद रख लें, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 यहां पर आएगा क्योंकि ए यहां पर 2 है। अब मुद्दा होता है कि एफ ऑफ 2 कैसे निकालें, तो हमेशा ये जो ऊपर लिखा रहता है न्यूमरेटर वो हमारा एफ ऑफ जेड है, 2 वहां पर रखोगे आंसर आ जाएगा, उधर रख दो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर देखें तो c इज मॉड z इज इक्वल टू 2। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, मॉड z इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेंटर तो 0 0 ही है अभी भी, लेकिन रेडियस क्या हो गई, 2 हो गई। सेंटर अभी भी 0 0 ही है लेकिन रेडियस इस बार थर्ड वाले क्वेश्चन में 2 है, मतलब रेडियस ये है दोनों के बीच में। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस क्लोज्ड कर्व में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो सिंगुलर पॉइंट है, जरूरी नहीं है उस कर्व के अंदर ही आ रहा हो, अगर उसकी बाउंड्री पे भी आ रहा है तो भी हम कॉच इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉच इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग तो अंदर और ऊपर दोनों सिचुएशन में एनालिटिक होना चाहिए, दोनों सिचुएशन में ही सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलने चाहिए, ना तो अंदर मिलने चाहिए ना ऊपर मिलने चाहिए। अंदर या ऊपर अगर सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर इसी से आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आंसर अगेन मिलेगा आपको 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, तो इसका आंसर भी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए ही मिलेगा, ए अगेन 2 ही होगा और रिजल्ट अगेन इसका भी 40 पाई आयोटा ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी कर्व कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर उस कर्व के अंदर सिंगुलर पॉइंट आ रहा है तो कर्व कितना भी छोटा हो या बड़ा हो सभी पर फंक्शन के इंटीग्रेशन का आंसर सेम आएगा। अगर ये मॉड जेड इज इक्वल टू 10 भी होता ना तो भी आंसर 40 पाई आयोटा ही आता, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है उस पर सी कर्व कितना बड़ा है या छोटा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट तो फिक्स्ड ही है ना, करो कितना भी बड़ा कर दो छोटा कर दो सिंगुलर पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब आंसर भी फिर फिक्स्ड ही आएगा। ये एक मेन यहां पर बात ध्यान देने वाली थी। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ पाते हो ना तो फिर आगे के सारे क्वेश्चन अब फास्ट हो जाएंगे हमारे। तो मैं एक बार ये हटाता हूं और थर्ड वाला स्टार्ट करता हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो यह है जेड की पावर जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा। इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो नीचे वाली टर्म जीरो बन रही है, किस पॉइंट पर बन रही है, जेड इज इक्वल टू आयोटा पॉइंट पर बन रही है। इसका मतलब जेड बराबर आयोटा यहां पर सिंगुलर पॉइंट हो गया जिस पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिंगुलर पॉइंट की अगर बात करें, सिंगुलर पॉइंट हमारे पास आ रहा है जेड माइनस आयोटा का जीरो को बराबर करके जेड बराबर आयोटा। जेड बराबर आयोटा का मतलब है जीरो प्लस वन आयोटा, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में प्रॉपरली लिखें तो, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखें तो, और अगर इसको पॉइंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 0.1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये फंक्शन
नॉट एनालिटिक हो रहा है, सिंगुलर पॉइंट है। अब बात करते हैं सी कर्व। अब सारा का सारा खेल तो सी कर्व का है, उससे पता चलेगा कि इधर से आंसर आएगा कि इधर से आंसर आएगा। सी है हमारा मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2, ये भी एक सर्किल है, सेंटर अभी 0-0 ही है, रेडियस 1/2 है। मैं बनाता हूं एक बार इसको, प्लॉट कर रहा हूं इसको, तो ये बनेगा देखो, मान लो ये पॉइंट है 0, हमें और भी सर्किल्स प्लॉट करने होंगे तो मैं अकॉर्डिंगली पॉइंट्स एक साथ ले ले रहा हूं, ठीक है। यहां मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है, ठीक है। अब मैं ये सर्किल बना रहा हूं जिसकी रेडियस 1/2 है, हाफ रेडियस है, सेंटर 0-0 ही है, सेंटर 0-0 और हाफ रेडियस वाला अगर सर्किल बनाते हो तो वो इस तरह का बनेगा, रेडियस आधी है, ये पॉइंट 1/2 आ रहा है, तो हाफ रेडियस का हमने सर्किल बना दिया। ये हमारा सी कर्व है, क्लोज्ड कर्व है ये हमारा। अब इस कर्व की बात करें तो भाई हमारा पहले सिंगुलर पॉइंट प्लॉट कर देते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद बात करेंगे आगे। सिंगुलर पॉइंट हमारा है 0.1, 0.1 कहां मिलेगा हमें, 0.1 मिलेगा यहां पर, ये पॉइंट है 0.1 पॉइंट, जो कि हमारा सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। आप थोड़ा सा नोटिस करो भाई कि सिंगुलर पॉइंट हमारे कर्व के बाहर है, हमारे कर्व के अंदर तो हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट आप लिखोगे 0 इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक मिल रहा है क्लोज्ड कर्व के अंदर, तो सीधा आंसर 0 लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन हो जाता मॉड जेड इज इक्वल टू 2, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि 2 रेडियस का सर्किल है, सेंटर अभी भी 0-0 ही है, लेकिन इनकी सर्किल की रेडियस है 2, सर्किल की रेडियस अगर 2 है तो सर्किल की इस रेडियस 2 के हिसाब से इस तरह का लगभग लगभग सर्किल मिलेगा। इस सर्किल के अंदर ये पॉइंट आ गया अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं रहा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा यहां से, क्या आंसर आएगा डायरेक्ट, अगर कोई फंक्शन इस तरह का है जो कि f ऑफ z अपॉन z माइनस a का इंटीग्रेशन चाह रहे हैं हम लोग, तो सीधा आंसर आता है 2 पाई आयोटा f ऑफ a। फिलहाल यहां पर a की वैल्यू क्या है, z माइनस i, z माइनस a, a है यहां पर आयोटा, दोनों तरफ मैंने लगा दिया आयोटा। अब हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, f ऑफ आयोटा की। f ऑफ आयोटा कैसे मिलेगा, f ऑफ z से मिलेगा। f ऑफ z क्या है, ये जो z माइनस i के ऊपर है ना वो f ऑफ z है, ये f ऑफ z है। तो अगर हमारा f ऑफ z की वैल्यू हमें पता है z e की पावर z, तो इसका मतलब f ऑफ आयोटा मिल जाएगा आयोटा e की पावर आयोटा। ये वैल्यू उठा करके यहां रख दो तो फाइनल आंसर आएगा 2 पाई आयोटा इंटू आयोटा e की पावर आयोटा, 2 पाई आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर को सीधा -1 लिख रहा हूं और ये बन गया 2 पाई e की पावर आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर आया, जो कि मैं यहां लिख देता हूं एक बार, इसका आंसर आएगा 2 पाई e की पावर आयोटा, वो भी माइनस का। ये हमारा आंसर है इसका, किससे, इससे निकल गया भैया। तीसरे की बात करें कि c है z इज मॉड z इज इक्वल टू 1, मॉड z इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई सेंटर तो अभी भी 0-0 ही है लेकिन रेडियस क्या हो गई, 1 हो गई। रेडियस अगर 1 हो गई तो वो इस तरह का बनेगा, लगभग लगभग ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा बना तो उस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट होते ही यहां पहुंच जाओ, यहां पहुंचते ही आंसर आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, आंसर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए आएगा इस अकॉर्डिंग तो लास्ट में हमने निकाला ही है -2 पाई ई की पावर आयोटा, तो -2 पाई ई की पावर आयोटा अगेन इसका भी आंसर है, क्योंकि कर्व कितना भी बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉइंट हमारे कर्व के अंदर या ऊपर आ रहा है तो सीधा आंसर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए ही है हर कर्व के लिए, फिर भले ही कर्व छोटा हो बड़ा हो सेम आंसर आता है।
तो ये तीन एग्जाम्पल्स थे। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो बाकी के एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमें टोटल 28 एग्जाम्पल्स करने हैं अप्रॉक्स, तो उसमें सभी पैटर्न के एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के बस सीधा पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।